कैसे हैं आप सब लोग? और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आप लोग के लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है चपली कबाब की। और ये चपली कबाब बहुत ही मज़े के बनते हैं। और ये जो मेरे पास घर में चीज़ें थी मैंने उनसे बनाए हैं, और कोई बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं। तो ये आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले तो हमें एक चॉप की हुई प्याज चाहिए, तो मैंने बहुत बारीक चॉप किया हुआ है। उसी के साथ मैंने ये बेसन लिया है, ये मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून लिया है। और ये मैंने कुटी मिर्च ली है, हरी मिर्च ली है, अनारदाना लिया है। और इसी के साथ मैंने ये ज़ीरा और साबित धनिया कुटा हुआ लिया है, और 1 एग लिया, 1 अंडा लिया है मैंने। और बस ये हैं कुछ चीज़ें। और इसी के साथ मैंने ये कीमा लिया है, ये तकरीबन मैंने 1 केजी कीमा लिया है। तो उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें हमारे लिए काफ़ी हैं। और अगर कमी पेशी होगी तो हम ऐड कर लेंगे इसमें। बाकी जो है वो मैंने सॉल्ट लिया है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। मैंने कीमा लिया है था, मोटा कीमा, उसको मैंने पीस लिया था हल्का बारीक। और इसमें मैंने जो है ये अनियन जो है चॉप की भी, ये मैंने इसमें ऐड कर दी। और अब बाकी हम सारे मसाले ऐड कर देंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो इसमें जो है ये मैं कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा ये ऐड कर दूँगी। और उसी के साथ अब मैं ये बेसन ऐड करूँगी। ये मैंने भून के हल्का सा रखा हुआ था, तो ये 2 टेबलस्पून बेसन है। और ये मैंने कुटी मिर्च ली है 1 टेबलस्पून। तो बाकी अगर कम लगे तो आप और ऐड कर लेगा। बाकी ये मैंने कुछ हरी मिर्चें काट के रख ली थी, और अनारदाना को जो है थोड़ा सा पीस लिया था, कूट लिया था मैंने। और ये 1 अंडा है, और ये पूरा 1 एग है, ये मैंने ऐड कर दिया है। बल्कि आप इसमें 1.5 एग लेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कम पड़ गया था। बाकी ये आप सॉल्ट अपने हिसाब से, पहले तो मैं कम डालूँगी सॉल्ट के ज़्यादा ना हो जाए, उसके बाद जो है आप मिक्स करने के बाद अगर आपको जो कम ज़्यादा लगे वो आप मिर्च नमक ऐड कर देगा। और अब इसमें हम ये चॉप किए हुए टमाटर ऐड कर रही हूँ इसमें। और इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और कबाब की तरह बना लेंगे। तो देखिए मैं टमाटर को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ये देखें, ये इस तरह से मिक्स होने के बाद हो गया है, और काफ़ी कलरफुल सा लग रहा है। और इसे अगर आपके पास हरा धनिया हो तो आप वो भी ज़रूर डालिएगा, बहुत मज़े का बनता है उसे। तो ये देखिए मैंने कबाब की शेप में बना के रख लिए हैं, और ये इस तरह से गोल गोल बनेंगे। और ये थोड़े से पतले बनाइएगा आप। और मैंने ऑयल जो है फ्राइंग पैन में गरम करने के लिए रख दिया है। और हम इनको फ्राई करेंगे। तो ऑयल मैंने गरम होने के लिए रख दिया है, और अब जो है ये मैं ऑयल में ऐड कर रही हूँ। और ये बहुत हल्की आँच में आपको पकाना है, क्योंकि हमारा कीमा कच्चा है और वो हमारे कबाब अच्छे से पक जाएं। तो इसी वजह से अगर हम फुल आँच में रखेंगे या मीडियम आँच में रखेंगे तो ये होगा कि हमारे ऊपर से तो फ्राई हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे। तो देखें, ये 5 मिनट बाद आप इसको चेक करिएगा। तो मैं अभी आपको टर्न करके दिखाती हूँ कि इसका कलर कैसा आया है। ये देखें, ये लाइट ब्राउन हो गए हैं। तो इस तरह से आप सारे अपने कबाब फ्राई कीजिएगा। और मैं अब सारे कबाब इसी तरह से फ्राई कर लूँगी, और फिर मैं इनको प्लेट में सर्व करूँगी। तो हमारे कबाब जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, और इसको आप केचप के साथ खाइए और किसी भी सॉस के साथ खाइए, आपकी मर्ज़ी है। और देखें कितने मज़े के बने हैं। लेकिन ये है कि ये थोड़े बड़े बनाएगा आप तो ये जो है थोड़े छोटे हो जाते हैं साइज़ में। और ये अंदर से गल गए हैं, देखें कितने नरम से हैं। तो अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बकरीद का मौका है तो
मेरी रेसिपी ये वाली ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कि कबाब आपको कैसे बने थे। और बाद में अगर आपको बारबेक्यू की तरह करना है तो उसमें आप स्टीम भी दे सकते हैं कोयले की। तो हमारे कबाब तैयार हैं और अगर मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मैं आपको मिलूँगी एक अच्छी रेसिपी के साथ और बहुत ही जल्द मैं आपको मिलूँगी अपने व्लॉग के साथ। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और अल्लाह हाफिज़। बाय।